Dear students, assalamu alaikum. Welcome to your class. Hope you are fine. Well, dear students, our today's topic is Jainism. So, let's begin. Jainism, as we saw, some kingdoms in the Mahajanapadas were becoming very powerful. New cities were growing. Life in villages was also changing. Some people became very poor and suffered. Many people were unhappy with these changes. Vardhamana Mahavira was one of these people. Mahavira lived about 2500 years ago. He was a prince born at Vaishali near Patna, now the capital of Bihar. He had questions about many things and wanted to find new answers. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो महाजनपदाज थे, उनमें जो किंग्स थे, महाजनपदाज के जो रूलर्स थे, वो अमीर बनते जा रहे थे और पावरफुल बनते जा रहे थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम, द किंग्स एंड रूलर्स ऑफ द महाजनपदाज वायर बिकमिंग वेरी पावरफुल. जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता था, ये महाजनपदाज के किंग्स जो थे, ये बहुत ताकतवर लोग बनते गए, बहुत पावरफुल और बहुत अमीर बनते गए. न्यू सिटीज वायर ग्रोइंग, नए नए शहर जो बनते थे और वो ग्रो होते थे, यानी बढ़ते जाते थे. नए शहर वजूद में आते थे, नई बस्तियां वजूद में आती थी. तो गाँव की जो ज़िंदगी थी, वो भी तब्दील हो रही थी. लाइफ इन विलेजेस वाज आल्सो चेंजिंग. तो इस तब्दीली के माहौल में, इस चेंजिंग सिचुएशन में, कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत गरीब थे और जो बहुत सफ़र कर रहे थे, जो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे थे. सम पीपल बिकेम वेरी पुअर एंड सफर्ड ड्यूरिंग दीज चेंजेस और ड्यूरिंग दीज चेंजिंग पीरियड्स, चेंजिंग टाइम्स. There were many people who were very poor and suffered. Many people were unhappy with these changes. Because of this poverty and because of the sufferings, many people were unhappy with these changes. Vardhamana Mahavira was one of these people. तो ये जो नाखुश लोग थे, unhappy जो लोग थे इन तब्दीलियों से, इनमें एक ऐसा शख्स था जिसका नाम था वर्धमाना महावीरा. ये वर्धमाना महावीरा जो था, यह भी इन तब्दीलियों से नाखुश था. ये असल में महावीरा जो हैं, वर्धमाना महावीर, ही लिव्ड अबाउट 2500 ईयर्स एगो. ये 2500 साल पहले इस दुनिया में थे. तो ये असल में एक प्रिंस थे. ही वाज एक्चुअली अ प्रिंस बॉर्न एट वैशाली नियर पटना, जो वैशाली के मुकाम पर पैदा हुए थे. वैशाली पटना के नज़दीक एक जगह है. तो पटना जो आजकल बिहार का कैपिटल है, बिहार की कैपिटल सिटी पटना, तो उसी के नज़दीक एक जगह वैशाली कहलाती थी. तो वहाँ पे वर्धमान महावीर आज से 2500 साल पहले पैदा हुए थे. तो ये जो महावीर थे, ही हैड क्वेश्चंस अबाउट मैनी थिंग्स एंड वांटेड टू फाइंड न्यू आंसर्स. उसको बहुत, उसके जहन में बहुत से सवाल थे जिनके वो जवाबात चाहते थे, जवाबात ढूंढते थे. व्हेन ही वाज 30 इयर्स ओल्ड, ही लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. फॉर 12 इयर्स ही लिव्ड a hard and lonely life. He found new ways of thinking and living. जब वो 30 साल के हुए, when he was 30 years old,
तो उस उम्र में उसने अपने घर को छोड़ दिया, ही लेफ्ट हिज होम, और जंगल चला गया एक जंगल की तरफ, और जंगल में रहने लगा। तो जंगल में वो 12 साल तक रहे। ही लिव्ड इन द जंगल अ वेरी हार्ड लाइफ एंड ही लिव्ड देयर फॉर अबाउट 12 ईयर्स। लगभग 12 साल वो वहाँ रहे और वहाँ पे उन्होंने एक सख्त ज़िंदगी गुजारी, और ये ज़िंदगी सख्त होने के साथ साथ लॉनली भी थी, अकेले में। ही लिव्ड देयर ए लॉनली लाइफ। ही फाउंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। तो वहाँ पर उसको सोच विचार करने का मौका मिला, तो वहाँ उसने जिंदगी के नए रास्ते तलाश किए, सोच के नए रास्ते तैयार किए, और ज़िंदगी गुजारने के नए रास्ते उसको सूझे। महावीरा सेड दैट टू गेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड पीपल मस्ट लीव देयर होम्स। तो उनकी जो तालीमात हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें वो कहते हैं कि लोगों को इल्म हासिल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दे मस्ट लीव देयर होम्स, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। महावीरा सेड दैट टू गेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड पीपल मस्ट लीव देयर होम्स। दुनिया की ज़िंदगी का इल्म हासिल करने के लिए, या दुनिया की जो दुनिया के बारे में, ज़िंदगी के बारे में इल्म हासिल करने के लिए लोगों को चाहिए कि वो अपना घर छोड़ दें। ही बिलीव्ड पीपल शुड नॉट हर्ट और किल एनी लिविंग बींग। अब उसका दूसरा जो उसूल था, अब दूसरा पॉइंट उसका, वो ये था कि उसका ये उसकी फेथ ये थी, उसका बिलीफ ये था कि हमें किसी भी चीज़, किसी भी शख्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और न किसी लिविंग बीइंग को, किसी जानदार चीज़ को मारना चाहिए, किसी भी जानदार चीज़ को मारना नहीं चाहिए। ऑल बीइंग्स वांट टू लिव, ही सेड। तो उसका कहना यह था कि क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी ये जीवित चीज़ें हैं, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, वो सब चाहती हैं कि जिंदा रहें, वो सब लोग जीना चाहते हैं, इसी तरह जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो जीना चाहती हैं। दीज रूल्स वायर डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स टू फॉलो हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। नाउ देयर वाज अ प्रॉब्लम, फार्मर्स हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। ये किसान लोग जो थे, उनको अपनी फसलों को बचाने के लिए क्या करना था, ये जो कुछ पारी परिंदे थे या कुछ कीड़े मकोड़े थे जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, तो किसान लोग उनको मारते थे या भगाते थे। अब उनके लिए महावीर का रूल फॉलो करना मुश्किल था। दीज वायर फॉलोड मोस्टली बाई ट्रेडर्स। तो ये रूल्स जो थे, ये ज़्यादातर किन लोगों ने फॉलो किए, ट्रेडर्स ने, ताजर लोगों ने ये रूल फॉलो किए। पीपल हु फॉलोड हिम वायर कॉल्ड जैनाज। और उसके फॉलोवर्स जो थे, जो इसके मानने वाले थे, जिन लोगों ने इसके रूल्स फॉलो किए, उनको जैनाज कहने कहा जाने लगा, उनको जैन कहते हैं, जैन लोग, जैनाज। तो इसके मज़हब को जैन मत कहते हैं, जिस तरह बुद्ध मत, इसी तरह कहते हैं जैन मत। तो इन लोगों को जैन कहते हैं, जो इसके फॉलोवर्स हैं, महावीरा वर्धमाना के जो फॉलोवर्स हैं उनको जैनाज कहते हैं, जैन। उर्दू में जैन कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जैनाज कहते हैं। दे हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड लिव वेरी सिंपल लाइव्स। नाउ दिस वाज द रूल फॉर देम, दे हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी एट ऑल। एवरी जैना हैड टू बी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, एंड लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। एक तो उनको ऑनेस्ट होना था, ये एक पहली शर्त थी, और क्या था कि बहुत सादा ज़िंदगी गुजारना। दे कुड नॉट स्टील, चोरी तो चोरी की बात ही नहीं थी, चोरी नहीं कर सकते थे, ये एक तीसरा उसूल था कि वो जो जैना लोग हैं उनके लिए स्ट्रिक्टली मना है कि वो चोरी नहीं कर सकते। दे कुड नॉट स्टील। द मॉन्क्स एंड नन्स कुड नॉट मैरी।
अब एक और उसूल था उनका, जो जैन मत के फॉलोअर्स थे, चाहे वो मॉन्क्स थे या नन्स थी, यानी उनके मेल जो वो थे या फीमेल्स थी, मेल्स को मॉन्क्स कहा जाता है और फीमेल्स को नन्स, जो उनके वो पुजारी होते हैं जो अपने आप को जैनाज कहते हैं और उसी काम के लिए जो निकल पड़ते हैं, तो उनके जो मॉन्क्स होते हैं, चाहे वो मॉन्क्स हों या नन्स हों, मेल हों या फीमेल हों, उनके लिए ये शर्त थी कि दे कुड नॉट मैरी, दे हैड टू लीव अ लाइफ ऑफ दे हैव टू लीव अनमैरिड लाइफ, उनको सेलिबेसी जो है वो ऑब्जर्व करनी थी, ठीक, मैरिज उनके लिए मना था। मैनी अदर्स सपोर्टेड देम, गेव देम फूड, और जब वो इस राह पे चलते थे तो बाकी लोग जो थे वो उनकी मदद करते थे और उनको खाने पीने की चीज़ें देते थे, खाने पीने के लिए उनको वो देते थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स द टीचिंग्स ऑफ महावीरा स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिज टीचिंग्स वाया रिटन डाउन अबाउट 1500 ईयर्स एगो एंड केप्ट एट अ प्लेस इन गुजरात। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द जैनिज्म। नाउ अ कपल ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर वन, गिव टू सिमिलैरिटीज बिटवीन महावीरा एंड द बुद्धा। वेल, टू सिमिलैरिटीज बिटवीन महावीरा एंड बुद्धा, यस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी बोथ महावीरा एंड बुद्धा थॉट दैट रियल नॉलेज कुड बी गेन्ड बाई दोज पर्सन्स ओनली हु लेफ्ट देयर होम्स। दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर देम टू लिव टूगेदर इन द संघा, एन एसोसिएशन मेंट फॉर दोज पर्सन्स हु लेफ्ट देयर होम्स। द अरेंजमेंट्स फॉर देम टू लिव टूगेदर इन द संघा, I repeat, both Mahavira and the Buddha thought that real knowledge could be gained by those persons only who left their homes. They made arrangements for them to live together in the Sangha. Sangha means an association meant for those persons who left their homes. Now the next question, mention the rules that Jainas had to follow, the rules that Jainas had to follow. Yes, there were very strict rules that Jainas had to follow. Number one, they had to lead very simple life and observe celibacy. There were very strict rules that Jainas had to follow. Number one, they had to lead very simple life and observe celibacy. Number two, they had to beg for the food. Number three, stealing was strictly prohibited. Number four, they had to be absolutely honest. And number five, they had to follow the rules of ahimsa. Rules of ahimsa, that means they were not allowed to hurt or kill anybody. So that's all for today. Thank you very much. Goodbye and take care.